पे आपको ध्यान रखना होगा आगे। आज जैसे कि आज मार्केट के अंदर ग्लोबल ट्रिगर के हिसाब से क्या आईटी वापस एक फेवरेबल प्लेस हो सकती है जहां पर कुछ पैसा आ जाएगा? कोश, क्या आपकी आईटी में कोई चॉइस है क्या? गार्टनर की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आईटी के अंदर मोमेंटम है, सेकेंड ट्विंस के बाद या एचडीसी ट्विंस के बाद सबसे ज़्यादा गेन अगर किसी ने दिखाना शुरू किया वो आईटी ने शुरू किया है, क्या कोई है आपका प्लस? एब्सोल्युटली डिम्पी, इनफैक्ट यू नो जब से आईटी रैली शुरू हुई है, इनफैक्ट यू नो मुझे याद है टीसीएस हम यू नो 1460 के लेवल के आस सॉरी इन्फोसिस यू नो 1460 के आसपास के लेवल से बात करते, तब से जो इन स्टॉक्स में यू नो रैली आई है काफी यू नो इंकरेजिंग रहा है। थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुए थे बट देन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद यू नो पॉजिटिव बायस, तो यहाँ पे यू नो इन्फोसिस पे बिल्कुल नजर रख सकते हैं। लेकिन मेरा जो फिलहाल टॉप पिक रहेगा वो है एचसीएल टेक। इस स्टॉक ने काफी क्रिटिकल लेवल्स जो है उनको यू नो बहुत सक्सेसफुली यू नो क्रॉस किया है, फॉलो थ्रू बाइंग भी हम इसमें अच्छी खासी आते हुए देख रहे हैं। 1100 के आसपास का इसमें एक माइनर रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर कल स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, सो मैं कहूंगा यहां से फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट यहां पे 1140 का, दूसरा टारगेट जो है वो 1175 का बन के आ रहा है। फ्रेश पोजीशन लें, फ्रेश एंट्री लें तो यहां पे 1180 का स्टॉप लॉस लेके चलें। तो HCL Tech यू नो विद इन द आईटी पैक लुक्स गुड यू नो इवन नाउ डिस्पाइट द काइंड ऑफ मूव दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, ये तो हो गई बात। रेलवे स्टॉक्स पे एक बार वापस जाना होगा और रेलवे स्टॉक्स के डायरेक्टर साहब मैं आपको नाम बढ़ूंगा, आप स्टॉक फायर करिएगा। IRCTC, RVNL, ये सारे स्टॉक्स जो कल भी एक्टिव थे एक हफ्ते के चार्ट्स लेके आइए। काफ़ी दिनों के बाद इसके अंदर IRCTC सबसे ज़्यादा ओवरओन और सबसे फैंसी स्टॉक हो गया है, इसलिए बाजार की रुचि अब दूसरे रेलवे स्टॉक्स की तरफ जा रही है। IRCTC में बहुत काम हो गया। वैशाली, अगर रेलवे स्टॉक्स में बेट लेनी हो तो कहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, IRCTC मत चलाइए, बाकी दूसरे जो रेलवे गेनर्स हैं उसमें अगर हम बताएं वैशाली तो कल देखें तो रेलटेल एक अच्छा मोमेंटम आया था अलोंग विद अदर स्टॉक्स, एयरकॉन देखिए, IRFC देखिए, बट फिलहाल मेरा ध्यान रेलटेल पे है। सो कल के लोअर के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी खरीदा जा सकता है। आई थिंक इसका टारगेट 145-150 नियर टर्म बेसिस पे आ सकता है। ओके, तो चलिए ये कुछ रेलवे स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स में कल एक्शन, इनफैक्ट यहाँ पर रेलटेल, RVNL जैसे स्टॉक्स जो कि मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन एक्शन हमने कल टायर स्टॉक्स में भी देखा। अपोलो टायर्स नंबर्स पॉजिटिव आते हुए दिखे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट की कमेंट्री और उसके ठीक बाद एक्शन बढ़ता हुआ, करीब 3% की तेज़ी अपोलो टायर्स के स्टॉक में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी चल गया और इसके ठीक पीछे पीछे JK टायर्स, CEAT, TVS, श्री चक्र जैसे स्टॉक्स भी। टायर स्पेस में मिड कैप काउंटर्स में अच्छा एक्शन भी नजर आ रहा था, ऑटोमोबाइल में एक्शन था, ऑटो एंसिलरी पर भी उसका असर और टायर स्टॉक्स इसमें एक्शन दिखाते हुए। कुछ टायर स्टॉक्स में जहां अपोलो टायर्स आउट परफॉर्म